हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे होममेड फूड में। आज मैं आपके लिए चाय की बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है 1.5 गिलास ही दूध। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको थोड़ी चाय बनानी है तो आप 1 गिलास ही ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास ही दूध लिया है। आप देख सकते हो ये गिलास नहीं है, गिलास से छोटी होती है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने गैस पर रख दिया है और जब तक ये इसको हमें थोड़ा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मतलब गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको गैस पे रख दिया है और ये गर्म होने लगा है। तो हम इसको मीडियम गैस पे हम इसे गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा दूध गर्म होने लगा है। आप देख सकते हो साइड में उसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तेज कड़क चाय पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो। अगर कम कड़क है तो आप इसमें कम चाय पत्ती डाल सकते हो। तो मुझे ज़्यादा कड़क चाय पीनी पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें 1 ही चम्मच चाय पत्ती डाली है। अब आप इसमें 2 चम्मच चीनी डालिएगा। अगर आपको चीनी भी ज़्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हो। तो हमें अब इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये अच्छे से उबालने आ जाए। और मैंने अब इसमें 1 इलायची ली है, जिसको मैं कूटने से कूट के इलायची को अच्छे से कूटूंगी और इसमें हम इसे चाय में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम ज़्यादा इलायची डालते हैं तो सिर्फ इलायची का ही टेस्ट आता है, अदरक का नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इलायची डाली है ताकि हल्कापन इलायची का आए और अदरक का भी टेस्ट आए। तो फ्रेंड्स, ये जब मैंने दूध चाय में अच्छे से उबाला गया है तो मैंने तब इसमें इलायची को ऐड कर दिया है और अच्छे से घुमा दिया है इसको ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इलायची को, अदरक को कूटूंगी नहीं, यहाँ पे मैं अदरक को घिस के डालूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अदरक को घिस लूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है और अदरक हमारी जितना भी इसमें अर्क होता है ये सारा हमारी चाय में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अदरक यूज़ किया है, आप चाहो तो कम यूज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ चाय में ज़्यादा अदरक अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा अदरक का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से घिस लेंगे ताकि ये अच्छे से सारा घिस जाए। तो हम इसको सारा घिस लेंगे और अच्छे से झाड़ के इसका सारा अदरक निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। और हम इसको अच्छे से चला देंगे और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये वाइट झाग इसमें से ख़त्म नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, मेरे पापा कहते हैं कि चाय को जब तक अच्छा पका, जितना अच्छा पकाओगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब मैंने इसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने इसमें 1 चुटकी नमक डाला है क्योंकि मुझे नमक की चाय अच्छी लगती है। और अब हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अच्छे से पकाना है हमें ये, ताकि चाय पत्ती का भी रंग इसमें अच्छे से छोड़ दे। तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि अदरक का और इलायची का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा और इतनी अच्छी चाय बनेगी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चाय पक चुकी है। अब हम इसको 1 कप में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब करो। बाय बाय। मैंने चाय